शहर का जिन बेकाबू, आवाम परेशान। पेट्रोल महंगा होने से आवाम को मजीद झटके। LPG 3.5 रुपए फी किलो महंगी। एक माह में अशिया खुरनोश पहुँच से बाहर। दालें 25, चावल 50 रुपए किलो तक महंगी। गोश्त, सब्जियां, चीनी, मसाला जात, आटा भी महंगा। साबुन, डेयरी, इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत, कीमतों में कई गुना इजाफा। हुकूमत रिलीफ नहीं तकलीफ के मंसूबे बना रही है। महंगाई से सताए आवाम बिलबिला उठे। आप खान साहब अपने निकम्मे मिनिस्टरों से जान छुड़वाएं और वजीर खजाना असद उमर, तुम एक कंपनी चलाने के अहल नहीं हो। पेट्रोल और LPG की कीमत में इजाफा नामंजूर। महंगाई के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर्स, वापडा मुलाजमीन सरापा एहतजाज। अवामी रिक्शा यूनियन का प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। मुजाहिरीन का वजीर खजाना असद उमर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। चेयरमैन मजीद गौरी कहते हैं इमरान खान निकम्मे वजीरों से जान छुड़वाएं। हुकूमत गुर्बत का खात्मा करे, गरीब ना खत्म करे। पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन का चेयरिंग क्रॉस पर एहतजाज। जनरल सेक्रेटरी हाइड्रो यूनियन खुर्शीद अहमद बोले महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी। हुकूमत मुलाजमीन को भी कोई रिलीफ दे। रुपए की बेकदरी, डॉलर मजीद तगड़ा। ओपन मार्केट में रुपया 20 पैसे सस्ता। डॉलर 40 पैसे बढ़कर 142.60 रुपए का हो गया। लाहौर तालीमी मैदान में सबसे पीछे रह गया। प्राइमरी और मिडिल के इम्तिहानात में बदतरीन कारकर्दगी। 36 जिला में लाहौर का कारकर्दगी में आखिरी नंबर। जिला ओकाड़ा 98% नतायज के साथ पहले नंबर पर आ गया। CEO एजुकेशन परवेज अख्तर कहते हैं मयार तालीम पर तवज्जो दे रहे हैं, खराब नतायज देने वालों की इंक्वायरी करेंगे। स्कूल सरबराहान और असातिज़ा से जवाब तलब कर लिया गया। नवाज शरीफ का 7 रोज में तीसरी बार तिबी मुआयना। साबिक वज़ीर आज़म का शरीफ मेडिकल सिटी में 2 घंटे चेकअप। ब्लड प्रेशर समेत दीगर मामूल का चेकअप। डॉक्टर्स की नवाज शरीफ को अदवायात जारी रखने की हदायत। जाती उम्रा में जाकर आराम करने का मशवरा। जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान कहते हैं देखा जा रहा है पाकिस्तान में इलाज मुमकिन है या नहीं। नवाज शरीफ को दिल का आर्जा लाहक है, किडनी पर भी असर हुआ। वजीर इत्तला फवाद चौधरी का नवाज शरीफ की सेहत पर तंज। बोले रिहा हुए 1 हफ्ता हो गया, नवाज शरीफ किसी अस्पताल दाखिल नहीं हुए। बीमारी से रोजाना अपडेट करने वाली मरियम बीबी के ट्वीट भी बंद हो गए। घर जाने के बाद तनाव में कमी और खुशगवार माहौल मैसर आया। नवाज शरीफ खुशगवार माहौल में मुल्की लूटी दौलत भी वापिस कर दें। आमदन के जायद असासे बनाने एक और लीगी रहनुमा की इंक्वायरी। नैब ने शेख रोहेल असगर के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। रोहेल असगर ने गुज़श्ता हफ्ते पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। तफ्तीशी टीम ने सवालनामा देकर जवाब तलब कर लिया। की अहम रहनुमा इश्तिहारी करार। साबिक विफाकी वजीर तहमीना दौलताना को पुलिस ने इश्तिहारी करार दे दिया। तहमीना दौलताना के खिलाफ थाना कला गुजर सिंह में मुकदमा दर्ज। मुकदमा दिफात 186 और 431 के तहत दर्ज किया गया था। पुलिस की जानिब से जारी इश्तिहारी मुल्जिमान की फहरिस्त में नाम शामिल। नेशनल एक्शन प्लान पर तेजी से अमल दरामद जारी है। महकमा दाखिला पंजाब ने 50 मजीद अफराद को 4th शेड्यूल में शामिल कर लिया। महकमा दाखिला ने फहरिस्त सिक्योरिटी अदारों को फराहम कर दी। वजीर कानून बशारत राजा से तहरीक नफाज फिका जाफरिया के वफ की मुलाकात। बोले नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम सियासी जमातों का इतफाक है, हुकूमत मजहबी आज़ादी को हर सूरत यकीनी बनाएगी। और अलीम खान के जुडिशल रिमांड में 9 रोज की तौसी, तहकीकात मुकम्मल हुई या नहीं। अदालत का तफ्तीशी अफसर से सवाल। अलीम खान 1500 एकड़ अराजी की तफसील बताने में नाकाम रहे, तहकीकात जारी है, मजीद वक्त दरकार है। तफ्तीशी अफसर का जवाब, मजीद वक्त जाया ना करे। अदालत की नैब के तफ्तीशी अफसर को हिदायत। आमदन से जायद असासाजात केस में अलीम खान की पेशी। एहतसाब अदालत के बाहर कारकुनों की नारेबाजी।
शुएब सिद्दीकी कहते हैं नैब सबूत पेश करने में नाकाम रहा। अलीम खान कल हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा हो जाएंगे।